पंजाब से भी, चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाईएल उसके पानी का ओवर फ्लो है, तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है। और सबसे ज्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे, वो अम्बाला जिले में है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है, कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। इवैक्यूएशन का काम भी हमने किया और जहां जहां जो सहायता पहुंचाने की बात है वो लगातार हमने की है। अब अच्छी बात यह है कि पानी का जो दबाव है वो पीछे से कम हुआ है, वर्षा रुक गई है, कल भी वर्षा नहीं हुई, आज भी वर्षा नहीं हुई। आज मैं अभी एरियल सर्वे करके आया हूँ जिसमें पानीपत जिले के कुछ गांव, करनाल जिले के इंद्री के आसपास के गांव और लाडवा से लेकर के और पूरा पेहवा तक, झांसा वगैरह, शाहबाद, इस एरिया में गांव अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो कुरुक्षेत्र जिले के हुए हैं। उसके बाद फिर अम्बाला जिले में भी जो हमारी हाईवे के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जो बेल्ट है, नग्गल और अम्बाला शहर के गांव, जितना भी उस समय में संभव हुआ है वो सब जगह हो गया है। राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियां मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनको हम कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है क्योंकि वो लापता हैं। एक के बारे में पता लगा कि वो नहर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है, तो वो सारी जानकारियां मिलेंगी। और इसी प्रकार से पशुओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ, जो पशु भी मरे हैं। मकानों का एक प्रकार से मकान नुकसान, ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे।